Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And today I am going to discuss with you all a new topic, that is types of intelligence tests. Okay, and this is a very useful topic for BA, BEd, MA, MEd and for psychology students too. So first of all, what is intelligence testing? What do we know about intelligence test? Intelligence test यानी बुद्धि परीक्षण, इस पर बहुत बात हो चुकी है पहले. मैंने आपसे concept of IQ discuss किया है, history of intelligence test भी discuss किया है, ये सब मैं आपसे discuss कर चुकी हूँ. लेकिन फिर भी एक quick review लेते हैं बुद्धि परीक्षणों का, कि intelligence test is designed to measure a person's general mental abilities, यानी कि किसी व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यताओं को नापने के लिए बुद्धि परीक्षण बनाया गया है. फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिने, द फादर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट कंस्ट्रक्शन मूवमेंट, जो अल्फ्रेड बिने थे, जिनको कि फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और इनको इंटेलिजेंस टेस्ट कंस्ट्रक्शन मूवमेंट का जनक माना जाता है, यानी कि बुद्धि परीक्षणों के निर्माण का जो आंदोलन चला उसके लिए जनक रहे. ड्यूरिंग द अर्ली 1900s, यानी कि शुरुआती 1900 जब चल रहा था 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, द फ्रेंच गवर्नमेंट आस्क बिने टू हेल्प डिसाइड विच स्टूडेंट्स वर मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन स्कूल. फ्रेंच सरकार ने, फ्रांस की सरकार ने बिने साहब से कहा कि आप उन विद्यार्थियों को चुनने में मदद कीजिए जिनको कि विद्यालय में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जो डिफिकल्टी का सामना कर रहे हैं. द गवर्नमेंट हैड पास लॉज रिक्वायरिंग दैट ऑल फ्रेंच चिल्ड्रन अटेंड स्कूल. और ऐसा क्यों कहा फ्रेंच सरकार ने, क्योंकि उसने ये रूल निकाला था, लॉ निकाला था कि सभी जो फ्रांस के बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ परेशानी होगी, तो उनको अलग से चिन्हित करने का काम बिने साहब को दिया गया. So it was important to find a way to identify children who needed specialized assistance. इसलिए ये जरूरी हुआ कि उन बच्चों की पहचान की जा सके जिनको कि किसी विशेष प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी विद्यालयों में. तो ये जो था वो बेस बना पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के निर्माण का. बिने एंड हिज कलीग थियोडोर साइमन, इसीलिए बिने साइमन टेस्ट कहलाया जो पहला टेस्ट था, क्योंकि उन्होंने अपने साथी साइमन के साथ बिगेन डेवलपिंग क्वेश्चंस दैट फोकस्ड ऑन एरियाज नॉट एक्सप्लिसिटली टॉट इन स्कूल्स. तो उन्होंने उन क्वेश्चंस को बनाने का काम शुरू किया उन एरियाज पे बेस्ड जो कि जनरली विद्यालयों में नहीं पढ़ा जाते थे, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी समस्या समाधान का कौशल, स्मृति और अटेंशन से संबंधित प्रश्न इन्होंने बनाने शुरू किए. Using these questions, Binet determined which ones served as the best predictors of school success. और इन प्रश्नों का उपयोग करके Binet ने ये सुनिश्चित किया कि कौन से वो dimensions हैं जो कि विद्यालय में सफल होने के लिए आप मतलब बता सकते हैं कि ये अगर आपके पास होगा तो आप विद्यालय जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे. He quickly realized that some children were able to answer and vice versa. और तुरंत ही उनको ये एहसास हो गया कि कुछ बच्चे तो हैं वो बहुत आसानी से आंसर दे पा रहे हैं और कुछ नहीं दे पा रहे. Based on this observation, Binet suggested the concept of mental age. आपको IQ का फॉर्मूला याद होगा, IQ is equal to mental age upon chronological age into 100, यानी कि जो मानसिक आयु है, वास्तविक आयु तो हमारे हमारे शरीर की है, पर हम किस लेवल के सवाल कर पा रहे हैं वो हमारी मानसिक आयु निर्धारित करता है. और इन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर Binet ने ये सजेस्ट किया मेंटल एज का कंसेप्ट, यानी मानसिक आयु का संप्रत्यय यहीं से आता है. और ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द एवरेज एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए सर्टेन एज ग्रुप, यानी कि एक निश्चित समूह के उम्र के बच्चों में कौन सी सामान्य योग्यताएं होती हैं, इसका कंसेप्ट यहीं से आया. द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट रेफर्ड टू टुडे एज द बिने-साइमन स्केल बिकेम द बेसिस फॉर द इंटेलिजेंस टेस्ट स्टिल इन यूज टुडे. मतलब आज भी जो बुद्धि परीक्षण यूज किए जाते हैं उनका बेसिस बिने-साइमन स्केल ही बनता है. However, Binet himself did not believe that his psychometric instruments could be used to measure a single permanent and inborn level of intelligence. हालांकि Binet को ये नहीं पता था कि जो ये बना रहे हैं वो इंटेलिजेंस के टेस्ट के रूप में मशहूर होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस तो टेस्ट ही नहीं करना चाह रहे थे, तो स्कॉलिस्टिक सक्सेस और स्कॉलिस्टिक जो डिफिकल्टी बच्चों को हो रही है उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने टेस्ट बनाया था. तो ये तो हुई इंटेलिजेंस टेस्ट की एक भूमिका जो हम लोग बात कर चुके थे, लेकिन फिर से हम लोगों ने बात की. तो अब हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपसे टाइप पूछा जाएगा तो आपको तीन तरीके के टेस्ट बताने हैं, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट. इंडिविजुअल टेस्ट, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि एकल परीक्षण, यानी कि एक एक विद्यार्थी पे एक बार में किया जाएगा. ग्रुप टेस्ट, जो समूह में परीक्षण किए जाएंगे वो ग्रुप टेस्ट. और परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसको कि निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, जिसमें कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है. तो देखते हैं क्या है ये इंडिविजुअल टेस्ट. दीज टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू वन इंडिविजुअल एट अ टाइम. सिंपल,
एक व्यक्ति के पे एक बार में ही एडमिनिस्टर किया जा सकता है ये टेस्ट, इसीलिए इंडिविजुअल टेस्ट कहलाता है। दीज कवर द एज ग्रुप फ्रॉम 2 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी कि 2 से 18 साल के बच्चों पे इंडिविजुअल टेस्ट हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बीने साइमन टेस्ट, बैचलर टेस्ट, ये सभी टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट की श्रेणी में आते हैं। फिर इनके कुछ लाभ और हानियां हैं। एडवांटेजेस क्या है इसकी कि द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैन एस्टैब्लिश अ रैपो विद द क्लाइंट, यानी कि चूंकि हम 1-to-1 बात कर रहे हैं इसलिए हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उससे हम एक रैपो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसकी समस्या हमको समझ में आ सकती है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन रीड कर सकते हैं। यही नीचे लिखा है, द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैन गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स फीलिंग्स मूड एंड एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग टेस्टिंग। हम ये भी जान सकते हैं कि परीक्षण के दौरान उसका मूड का कैसा रहा, उसको कैसा अनुभव हुआ, उसने कैसे एक्सप्रेशंस दिए, ये सब आप क्यों, क्योंकि आप 1-to-1 कर रहे हैं, हम ध्यान दे पा रहे हैं। इंडिविजुअल टेस्ट्स आर मोर केपेबल ऑफ मेजरिंग क्रिएटिव थिंकिंग कंपेयर टू ग्रुप टेस्ट, और अगर सामूहिक परीक्षणों से इसकी तुलना की जाए तो ये जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बेहतर मेजरमेंट साबित हो सकता है इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि इंडिविजुअल टेस्ट आर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू एडमिनिस्टर, ये समय लगता है। एक ग्रुप टेस्ट आप एक बार में 50 बच्चों पर लगा सकते हो, इसके लिए आपको 50 बार बैठना पड़ेगा तब आप कर पाएंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है इसमें। इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर अ ट्रेन एंड स्किलफुल एग्जामिनर टू एडमिनिस्टर, स्कोर एंड इंटरप्रेट देम, और जब आप इंडिविजुअल टेस्ट लगाते हैं तो आपको एक प्रशिक्षित और कौशल से युक्त एग्जामिनर चाहिए जो कि उसको एडमिनिस्टर कर पाए, स्कोर कर पाए, मतलब कैसे उसमें नंबर दिए जाएंगे और कैसे उसकी व्याख्या की जाएगी। These tests cannot be used for mass testing, और बहुत सारे लोगों का परीक्षण करने के लिए ये टेस्ट उपयुक्त नहीं है। ये तो हुई इंडिविजुअल टेस्ट की बात। अब ग्रुप टेस्ट, ग्रुप टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक समूह पर इसको लगाया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। ग्रुप टेस्ट वर बोर्न इन अमेरिका, ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ। कैसे? व्हाइल द इंटेलिजेंस ऑफ द रिक्रूट्स हु जॉइन द आर्मी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ये हुआ कि अच्छे लोग, बुद्धिमान लोगों की सेना में भर्ती की जाए, तो एक एक करते तो बहुत समय लगता है, इसलिए ग्रुप टेस्ट, ये बड़ी संख्या में लोगों पर अप्लाई करके आप निकाल लीजिए कि कौन एबव एवरेज है, तो उनको आप सेना में ले सकते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक था। फॉर एग्जाम्पल इसीलिए दी आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा टेस्ट आपने सुना होगा, क्योंकि आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए ये लगाए गए, इसीलिए इनके नामकरण में भी आर्मी है। टर्मेन का ग्रुप टेस्ट एटसेट्रा। अमंग द ग्रुप टेस्ट देयर आर टू टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अच्छा, ग्रुप टेस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, भाषिक और अभाषिक। तो भाषिक क्या है, वर्बल क्या है, वर्बल जिसमें आप बातचीत करेंगे, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसमें आप बोल चाल कुछ इस्तेमाल होगी, और नॉन वर्बल में बोलने की जरूरत नहीं, यानी कि उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आप दे दीजिए और वो खुद अपना पढ़ के कर लेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं ग्रुप टेस्ट के। एडवांटेजेस इसके क्या है, लाभ क्या क्या हो सकते हैं, कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए वेरी लार्ज नंबर साइमल्टेनियसली, एक साथ आप बहुत बड़ी संख्या में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड एग्जामिनर रोल, इसमें एग्जामिनर का रोल सिंप्लीफाइड हो गया, क्योंकि हमको कई बार हमको इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना है नॉन वर्बल में, तो बस आपने दिया और कलेक्ट करके ले लीजिए। स्कोरिंग टिपिकली मोर ऑब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव नहीं आती है, स्कोरिंग टिपिकली ऑब्जेक्टिव होती है कि एक सवाल पे सही है तो इतना नंबर, गलत है तो इतना नंबर, और फटाक से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स आर ऑफन यूज्ड लीडिंग टू बेटर एस्टैब्लिश नॉर्म्स, और इसमें आप नॉर्म्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए ग्रुप टेस्ट ही बेहतर है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि इस एज ग्रुप के लोग कैसा जनरल उनकी नॉर्मल परफॉर्मेंस क्या है, तो ये आप ग्रुप टेस्ट से ही पता लगा सकते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट से ये नहीं संभव है। तो ये तो इसके लाभ हैं। हानियां क्या है इसकी, द एग्जामिनर हैज लेस अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन कोऑपरेशन एंड मेंटेन इंटरेस्ट, इसमें चूंकि आप कितने बड़ी संख्या पे ये अप्लाई हुआ है तो आपका कोई कोऑपरेशन आपको ना मिलेगा, ना आप दे पाएंगे, ना ही आप जो आपका विषय है, सब्जेक्ट है, क्लाइंट है, उसके इंटरेस्ट को अराउज कर पाएंगे, ये सब नहीं होगा। Not readily detected if the examinee is tired, anxious or unwell. आप ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि आपका जो examinee है वो थका हुआ है, कि चिंतित है, कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों पर ध्यान एक साथ नहीं दिया जा सकता है। Evidence that emotionally disturbed children do better on individual than group tests. Examinees' responses are more restricted. ये भी पाया गया है कि जो सांवेगिक रूप से परेशान बच्चे होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, वो इंडिविजुअल टेस्ट पे बेहतर परफॉर्म करते हैं, ग्रुप पे नहीं कर पाते, बिकॉज आप उन पे अलग से ध्यान नहीं दे रहे। Normally, an individual is tested on all items in a group test and may become boredom over easy items and frustrated or anxious over difficult items. Actually, मतलब जब 1-to-1 कर रहे हैं तब तो आप उसके हिसाब से कर रहे हैं, उसने जितने जल्दी सबमिट कर दिया आप उसे ले लेंगे, या जो मिनिमम टाइम लिमिट है, लेकिन यहाँ आप ना ध्यान दे रहे हैं, ना आपको किसी के फेशियल एक्सप्रेशन पता चल रहे हैं, ना आपको पता चल रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कि anxious हो रहा है, कि बोर हो रहा है, तो ये इन सब चीजों के लिए दिक्कत है इसमें। इंडिविजुअल टेस्ट टिपिकली प्रोवाइड फॉर द एग्जामिनर टू चूज आइटम्स बेस्ड ऑन द टेस्ट टेकर्स प्रायर रिस्पॉन्सेस टू क्विट डिफिकल्ट टू क्विट होना चाहिए टू क्विट
डिफिकल्ट आइटम्स और बैक टू इजियर आइटम्स, सो इंडिविजुअल टेस्ट ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी. इंडिविजुअल टेस्ट अगर मान लीजिए वर्बल है, आप ग्रुप टेस्ट करा रहे हैं तो आप एक साथ इंस्ट्रक्शन देंगे कि सब लोग अब इसको करो, सब लोग अब इसको करो, तो सबको मतलब सेल्फ पेस वाली बात नहीं है, रिजिड है ग्रुप टेस्ट करना. जबकि इंडिविजुअल टेस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पहले ये वाला पोर्शन कर लीजिए, फिर वापस लौट आइए, फिर ये कर लीजिए, इन सब चीजों की सुविधा ग्रुप टेस्ट में नहीं है. तो ये तो जनरल लाभ और हानियां सामूहिक परीक्षण के हुए. तो इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्ति परीक्षण, फिर सामूहिक परीक्षण. अब आया परफॉर्मेंस टेस्ट. परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है? दीज टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू इलिटरेट पर्सन. अगर आपको इलिटरेट पर्सन का करना है, जो अशिक्षित है, जिसको जो इंस्ट्रक्शन पढ़ नहीं सकता, तो उसको पे आप परफॉर्मेंस टेस्ट लगा सकते हैं. दीज टेस्ट जनरली इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फॉर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल. इसमें क्या होता है जनरली कि कोई भाषा की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जैसे कुछ पिक्चर्स दे दी गई, कुछ जैसे आता है ना पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, या आपको ब्लॉक दे दिए गए वो जोड़ना है, या आपको पता है कि ये पिक्चर इस तरीके से चेंज हो रही है तो नेक्स्ट पिक्चर का क्या स्वरूप होगा, इस तरीके के इसमें टास्क होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट एंड द पास अलोंग टेस्ट, उन्होंने भाटिया बैटरी पढ़ा है ना, तो उससे वो परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है. तो इसके लाभ क्या है? दीज आर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक एबिलिटीज बट आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेस्टिंग सम कैटेगरीज ऑफ पर्सन. यानी कि जो डेफ पर्सन है, जो इलिटरेट पर्सन है, जो सुन नहीं सकता है, जो पढ़ नहीं सकता, उन सब लोगों के लिए, क्योंकि उन सब लोगों को वर्बल टेस्ट में दिक्कत होगी क्योंकि उनके पास लैंग्वेज पढ़ने की एबिलिटी नहीं है, तो जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन सब के लिए हमारा ये परफॉर्मेंस टेस्ट बेहतर होता है. और दीज आर हाईली यूजफुल इन वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस. व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन देने के लिए टेस्ट बहुत यूजफुल है. पर्सन ऑफ प्रैक्टिकल एंड मैकेनिकल एबिलिटी कैन बी डिस्कवर्ड बाई दीज टेस्ट अलोन. क्योंकि इसमें मैकेनिकल एबिलिटी पूछी जा रही है, ब्लॉक बनाना है, जोड़ना है, तो आपको पता चल सकता है कि ये इनकी प्रैक्टिकल और मैकेनिकल एबिलिटी अच्छी है जो इन टेस्ट पे अच्छा परफॉर्म करेंगे. Therefore, suggested that verbal test only should not be given for the study of preschool children who have not begun reading and writing. These are only suitable tests. और preschool बच्चों के लिए भी, जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, जो पढ़ नहीं सके हैं, जिनको कोई दिक्कत है, उन सभी के लिए ये टेस्ट एक अच्छा ऑप्शन होता है. These are useful for clinical purposes in adults. Adult भी हैं जो पढ़े लिखे लोग, उनके लिए निर्देशन पढ़ने में वो बोर होते हैं कि उनके गाइडेंस की कैसे करना है, गाइडलाइन पढ़ने में, निर्देश पढ़ने में, उनके लिए भी अच्छा है. जिनको कोई दिक्कत है, क्लिनिकल पर्पस के लिए भी अच्छा है. और सबसे बड़ी बात, दीज टेस्ट्स आर कल्चर फ्री. देखिए कल्चर फ्री टेस्ट किसको कहते हैं? जब भी टेस्ट में भाषा लिखी होगी, भाषा से संबंधित सवाल होंगे, वो कल्चर से गवर्न होते हैं. हम इंडिया में कोई टेस्ट मेड होगा तो उसके सवाल ऐसे लोकल होंगे जो हमारी जनरल बोलचाल की भाषा में आ रहे हैं, जो हमारी जिंदगी के सवाल हैं, है ना. उसी तरह से बाहर का टेस्ट होगा तो उसमें वहाँ का कल्चर डिपिक्ट होगा, दिखेगा. इसीलिए परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं वो सांस्कृतिक रूप से मुक्त पाए जाते हैं कि आप किसी पे भी, कहीं भी, ऑल ओवर दी, थ्रू आउट दी ग्लोब आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं. तो ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है. और डिसएडवांटेजेस भी हैं. परफॉर्मेंस टेस्ट डू नॉट मेजर एग्जैक्टली व्हाट बिनेस टेस्ट मेजर. रीजनिंग, जजमेंट और इमेजिनेशन ये उतना बेहतर नहीं मेजर कर सकता जितना बिने का कर रहा है. मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट डू नॉट रिक्वायर अबव एवरेज थिंकिंग, सो दीज आर नॉट सूटेबल फॉर हायर लेवल. यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आप इससे मेजर कर सकते हैं, पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए ये ठीक नहीं है. मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली, और इसको भी आप इंडिविजुअल एडमिनिस्टर ही कर सकते हैं, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन इसमें डिफिकल्ट होगा. तो ये रहा परफॉर्मेंस टेस्ट का. तो इस तरीके से हमने पाया कि इंटेलिजेंस टेस्ट की शुरुआत कैसे हुई. पहला टेस्ट बिने साइमन का है, फिर ये कितने प्रकार के हो सकते हैं. आपसे जब जनरली फुल क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव, तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आर देयर, डिस्कस एनी वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर द जनरल मेंटल एबिलिटी ऑफ 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, ऐसे करके. तो वो पूछेगा आपसे कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं और किसी एक बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए. तो कोई एक बुद्धि परीक्षण अगर आपने याद कर लिया है और आपने कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण ये नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे. तो आप पढ़िए कि तीन तरीके के हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड परफॉर्मेंस. इंडिविजुअल आप एक आदमी पे एक बार अप्लाई करेंगे, ग्रुप टेस्ट आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पे, बहुत सारे क्लाइंट्स पे, बहुत सारे सब्जेक्ट पे एक साथ लगा सकते हैं. अब वो वर्बल और नॉन वर्बल है, कहीं आपको निर्देश देना है, कहीं आपको नहीं देना है भाषा का इस्तेमाल. और परफॉर्मेंस टेस्ट उनके लिए जिनको भाषा से दिक्कत है, जो लैंग्वेज डिफिकल्टी है, जिनको कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, जिनको जिनको पढ़ने नहीं आता है, जो अशिक्षित हैं, उन सब पे आप परफॉर्मेंस टेस्ट लगा सकते हैं. फिर उसमें खासियत ये है कि आप मैकेनिकल एबिलिटी तो जज कर सकते हैं, पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जज करना थोड़ा मुश्किल है. तो इस तरीके से सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, सबके कुछ लाभ और हानियां हैं. तो ये है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. आसान था बट स्टिल
अगर आपने पढ़ा नहीं है तो हर चीज़ मुश्किल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।